एक वीवर का क्वेश्चन है कि इन द शेप ऑफ क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम कब बोले इन द शेप ऑफ। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। इन द शेप ऑफ का मतलब होता है के शक्ल में या के रूप में। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो डोर मैट सेब के शक्ल में था, यानी डोर मैट का जो आकार था, जो शक्ल था, वो सेब के शक्ल में था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोर मैट वॉज इन द शेप ऑफ एन एप्पल, यानी डोर मैट एक सेब के आकार में था या एक सेब के शक्ल में था। अगर आपको कहना हो केक दिल के शक्ल में था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे केक वॉज इन द शेप ऑफ अ हार्ट, यानी केक दिल के शक्ल में था। अगर आपको कहना हो वह बिल्डिंग स्पेस के शक्ल में था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दैट बिल्डिंग वॉज इन द शेप ऑफ स्पेस, यानी वह बिल्डिंग स्पेस के शक्ल में था। अगर आपको कहना हो चाकू एक कलम के शक्ल में था, या एक कलम के रूप में था, या एक कलम के आकार में था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नाइफ वॉज इन द शेप ऑफ अ पेन, यानी चाकू एक कलम के शक्ल में था, या चाकू एक कलम के रूप में था। अगर आपको कहना हो कि उसका मोबाइल वैलेट के शक्ल में था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हिज मोबाइल वॉज इन द शेप ऑफ अ वैलेट, यानी उसका मोबाइल एक वैलेट के शक्ल में था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि इन द शेप ऑफ क्या है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंप्लीट लर्निंग चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।